राजस्थान के श्री गंगानगर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने भाजपा नेता के साथ हाथापाई कर मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। किसान वहां पर भाजपा के प्रदर्शन का विरोध कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने किसानों पर लाठी चार्ज किया। मुख्य बाजार में पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई। इस लाठी चार्ज में कई किसानों को चोट भी आई है। अभी फिलहाल वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। श्रीगंगानगर के कलेक्ट्रेट परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। वहीं किसानों ने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए। कैलाश मेघवाल के साथ मारपीट भी की गई। उन्हें किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पुलिस प्रशासन ने किसानों से कैलाश मेघवाल को बामुश्किल छुड़वाया। भाजपा नेता महंगाई और सिंचाई पानी को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां पर किसान पहुंचे और जमकर भिड़ंत हो गई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। काफी किसान इस लाठीचार्ज से घायल हुए हैं। भाजपा ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भाजपा के कार्यक्रम में मौजूद रहे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट किया, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। श्री गंगानगर में भाजपा का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की नाकामी का आलम यह रहा कि असामाजिक तत्वों ने दलित नेता कैलाश मेघवाल पर जानलेवा हमला कर दिया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। साथ ही कहा कि राज्य सरकार भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहे ऐसी घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बयान में कहा कि मेघवाल के साथ हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही भाजपा समर्थक भी इस दौरान भाजपा नेताओं के ट्वीट पर कई तरह के कमेंट करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक अमराराम ने बिना किसी का नाम लिए ट्वीट किया, किसानों के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करोगे तो किसान स्वागत तो करेगा नहीं। अमराराम के ट्वीट पर भी कई आपत्तिजनक कमेंट देखे गए और कई लोग हिंसा को भी जायज ठहराते दिखे। खैर, लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या अब इसका कोई समाधान नहीं निकलना चाहिए? आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।